तो मैं सभी किसान भाइयों का, किसान यूनियन के सभी जो पदाधिकारी हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज ये प्रोग्राम बनाया कि तीनों की मंडी के बारे में विचार किया जाए कि किसान को कैसे फायदा है, इसको चालू रखने में फायदा है या इसको बंद करने में फायदा है। जिस भाई ने अपनी राय देनी है वो मंच पे आके दे सकता है ताकि अपनी बात जो है सभी को पता चले। मेरी राय के मुताबिक ये है कि जब हमने अपनी सब्जी या फ्रूट तोड़ लिया, जब तीनों तोड़ लिया हमने जिसका कोई भाव नहीं है, तय नहीं है पहले से, तो वो जिस मर्जी भाव बिके आपका मंदा बिके ही बिकेगा। जब आप मंडी में लेके लाओ, वो बिना भाव के आपने तीनों तोड़ के मंडी में लाए, मंडी में व्यापारी नहीं है, ग्राहक नहीं है, इसलिए आपका तीनों मंदा बिकेगा। अगर जो व्यापारी किसान प्लांट वाला आपके बाग में जाएगा, पहले आपसे सौदा तय करेगा कि किस भाव किन्नू बिकेगा आपका, जिस भाव किन्नू बिकेगा तय हो गया, अपनी मर्जी है, दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। सर ये हम स्टैंडर्ड से पैसा लेंगे, कहाँ लेंगे? अपने बाग पर जब किन्नू लगा हुआ है तब लेंगे। अगर आप किन्नू मंडी में तोड़ कर लाएंगे आपका भाव जरूर गिरेगा। जब से किन्नू की मंडी शुरू हुई तब से किसान जो है बड़ा परेशान है, किन्नू बेचने वाला बहुत ही परेशान है, क्योंकि उनको सस्ते दाम पर यहाँ मिल जाता है, उसको क्या जरूरत है भाग जाने की आपके पास, कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी सभी से मेरा ये यानी सुझाव है, अगर ये मंडी चालू रही तो किन्नू के भाव जो आपको बढ़िया दाम नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेगा। नहीं तो हम खेत में जो लेता है, जो जमींदार किसान से पैसा लेता है, वो स्टैंडर्ड से पैसा लेता है। तो मेरा ये सुझाव है कि किन्नू की मंडी अगर बंद हो जाए तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा, और बड़े ही साफ सुथरे तरीके से जब किन्नू बूटे पे लगे, आज नहीं बिका कल बेच देंगे, ये एक दिन में थोड़ा बिकता है, ये दसवें महीने में शुरू हो गया, दसवां ग्यारहवां बारहवां पहला दूसरा तीसरा और चौथा भी चलता है, छह सात महीने ये किन्नू बिकता है। आपको जल्दी किस बात की है? तो मेरा ये सभी से सुझाव है कि किन्नू की मंडी बंद कर दी जाए, किसान अगर और में किन्नू नहीं बेचेगा तो उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय किसान, जय द्वार।